चैप्टर टू विलियन सॉल्यूशन, ठीक है, देख सकते हो चैप्टर टू विलियन सॉल्यूशन, पूरे चैप्टर के आज हम देखेंगे अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो भाई अगर आप भी केमिस्ट्री में 70 में 70 लाना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देख सकते हो हम लोग पूरे चैप्टर के अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे इस वीडियो के अंतर्गत, ठीक है, पूरे चैप्टर के अति महत्वपूर्ण प्रश्न देख सकते हो। ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि ज़्यादातर हर साल एग्जाम में पूछे जाते हैं और इस बार भी पूछे जा सकते हैं क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में भी आते हैं, ठीक है। तो चलो देखते हैं पूरे चैप्टर के अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो जैसे पहला वीडियो देख सकते हो, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 180 ग्राम जल, क्या कह रहा है कि 180 ग्राम जल में जल के कितने मोल हैं, ठीक है। आपको 180 ग्राम जल में बताने जल के कितने मोल हैं, आपको 4 ऑप्शन दिए गए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो क्वेश्चन आसान है तो भाई प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, ठीक है। तो देखो देखते हैं तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें हम लोग, देख सकते हो 180 ग्राम जल हमें दे रखा है। तो देखो 180 ग्राम जल दे रखा है तो आपको सिंपल लिखना है 180 ग्राम जल, तो यहाँ पर ये 180 ग्राम क्या हो गया, जल का भार हो गया। अब आपको करना क्या है, यहाँ से जल का अणुभार निकाल लेना है। जल का अणुभार कैसे निकालोगे, जल का सूत्र आपको पता होगा H2O होता है, क्या होता है H2O, हाइड्रोजन का एक हो जाएगा 1 × 2, देख सकते हो इसका अणुभार निकालने के लिए 1 × 2 प्लस ऑक्सीजन का होता है 16, तो 16 प्लस 2 मिलकर क्या बन जाएगा 18, तो जल का अणुभार कितना निकल आएगा 18, ठीक है। तो यहाँ से जल का अणुभार 18 निकल आएगा। अब आपको मोल का फॉर्मूला लगाना है क्योंकि हमसे कह रहा है जल के मोल बताओ, तो मोल का फॉर्मूला लगाओगे जल का भार बटा जल का अणुभार, तो जल का भार कितना है 180 ग्राम और जल का अणुभार कितना निकला 18, तो 180 बटा 18, तो इसका मान कितना आ गया 10 मोल, कितना आ गया 10 मोल देख सकते हो, ठीक है 10 मोल। तो विकल्प नंबर आपका कौन सा, सी, विकल्प सी सही हो जाएगा 10 मोल वाला, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन आपका आंसर क्या हो गया 10 मोल, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देख सकते हो जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, ठीक है, कि आसुत या शुद्ध जल की मोलरता बताओ, ठीक है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए, आपको बताना है आसुत या शुद्ध जल की मोलरता। तो ये क्वेश्चन भी आसान है, इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो देखो इसकी कैसे निकालेंगे, आपको करना क्या, एक चीज़ याद रखना है जल का घनत्व, जल का घनत्व तो याद रखना क्या होता है 1 ग्राम पर ml, ठीक है, 1 ग्राम प्रति मिलीलीटर होता है। यहाँ से फॉर्मूला लगाओगे घनत्व का द्रव्यमान बटा आयतन, ठीक है। तो घनत्व तो कितना दिया गया 1 ग्राम पर ml, और आपका द्रव्यमान को हम लोग भार भी लिख सकते हैं, भार या द्रव्यमान कहो बात एक ही है, ठीक है, भार या कह सकते हो द्रव्यमान, ठीक है, एक ही बात होती है। अब आयतन आपको यहाँ पे कितना लिख देना 1000 मिलीलीटर, देखो 1 ग्राम पर ml घनत्व हो गया और आयतन लिखना है 1000 मिलीलीटर, ठीक है, 1000 कितना लिखना है मिलीलीटर, तो देख सकते हो अब यहाँ पे आपको रख देना है, ठीक है, भार इक्वल टू ये 1000 उधर चला जाएगा, तो 1000 × 1 ग्राम, यहाँ मिलीलीटर से मिलीलीटर कैंसिल, तो भार कितना आ गया जल का 1000 ग्राम, मतलब 1000 ग्राम कितना आ गया 1000 ग्राम जल का भार आ चुका है। अब यहाँ से आपको करना क्या है, जल का अणुभार निकालना है। अणुभार कितना होता है 1 × 2, देखो हाइड्रोजन का 1 × 2 प्लस ऑक्सीजन का 16, 1 × 2 प्लस 16 बराबर 18। अब यहाँ से मोल का फॉर्मूला लगाओ क्या हो जाएगा, मोलरता निकालनी, पहले मोल निकाल लेते हैं, तो मोल का फॉर्मूला होता है भार बटा अणुभार, तो भार कितना हमने निकाला है, देखो भार निकाला 1000 ग्राम और अणुभार कितना है 18, तो 1000 बटा 18 हो गया। अब इसका मान निकालोगे तो कितना आएगा 55.56 मोल। अब हमें निकालना क्या है क्वेश्चन पे, मोलरता, तो मोलरता का फॉर्मूला क्या होता है, विलेय के मोल, ठीक है, विलेय के मोल और विलयन का आयतन लीटर में, अगर लीटर में है तो लीटर में लिखो, मिलीलीटर में है तो मिलीलीटर में लिखो और ऊपर कर दो 1000 का गुणा, ठीक है, देख सकते हो। अब यहाँ पे मोल कितने निकाले हमने 55.56, तो यहाँ पे 55.56 रखना है, देख सकते हो, और यहाँ पे आयतन आपको 1000 मिलीलीटर दिया गया, 1000 मिलीलीटर लिख दो ऊपर गुणे 1000, 1000 से 1000 कैंसिल हो जाएगा और आपका 55.56 जो आएगा वो आएगा मोलरता, ठीक है। तो इस पे ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा 55.56, ये इसकी मोलरता निकल आएगी, देख सकते हो आसान क्वेश्चन था ये भी और वेरी इंपॉर्टेंट था, ठीक है। तो देख सकते हो आसुत या शुद्ध जल की मोलरता कितनी होती है 55.56 मोलर। तो आपको मतलब पूरा निकाल के बता रहे कैसे निकालो, आप भी रटना नहीं है कुछ भी, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन की 8 ग्राम NaOH 450 मिलीलीटर विलयन में घुला है, क्या कह रहा है कि 8 ग्राम NaOH 450 मिलीलीटर विलयन में घुला है, विलयन की मोलरता बताओ। अब तो इसको सॉल्व करते हैं, देखो तो देखो 8 ग्राम NaOH कह रहा है तो 8 ग्राम NaOH लिख लेना है, 450 मिलीलीटर विलयन है, देख सकते हो 450 मिलीलीटर विलयन लिख लेना है। अब यहाँ से करना क्या है, सिंपल NaOH दिया गया तो इसका अणुभार निकाल लो, Na का होता है 23, ऑक्सीजन का होता है 16 और हाइड्रोजन का होता है 1, ठीक है, इसको जोड़ लोगे तो कितना आएगा 23, 16 और 1 को 40, ठीक है। अब निकालना क्या हमें, विलयन की मोलरता, तो मोलरता का फॉर्मूला आपको लगा देना है, मोलरता बराबर होता है विलेय के मोल बटा विलयन का आयतन क्या लीटर में, तो m इक्वल टू क्या हो जाएगा मोल, मोल बराबर फॉर्मूला आपको पता होगा, अभी तक क्वेश्चन लगाते चले आ रहे हैं कितने लगा लिए, ठीक है, भार बटा अणुभार, ठीक है, मोल बराबर क्या फॉर्मूला होता है, भार बटा अणुभार, तो सिंपल यहाँ पे क्या लिख देना है भार बटा अणुभार, मान रख देते हैं आपका भार कितना है 8 और अणुभार कितना है 40 और विलयन का आयतन कितना दिया गया 450 मिलीलीटर, मिलीलीटर में तो ऊपर कर दो 1
1000 का क्या गुणा, ठीक है। अब इसको आपको सॉल्व करना है, बस आसानी से सॉल्व कर लो। देखो कैसे करेंगे, यहाँ पे आपको जीरो से जीरो कैंसिल कर लेना है, ठीक है, जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, और 8 से 40 को काट देना है, ठीक है। 8 से क्या करना है, 40, देखो 8 से 40 को काट दो, 1/5 आ जाएगा, ठीक है। तो वहाँ 1/5 और नीचे 45, तो 1/5 × 45 और ऊपर कितना बच चुका है, 100 बच चुका है, ठीक है। तो 5 से काटो 100 को, 20 आ गया, और 45 को और 20 को काट लो, 5×9 = 45 और 5×6 = 20, तो 4/9 इसको काट लोगे तो 0.444 मोल पर लीटर, ठीक है, ये आ जाएगा आंसर, 0.444 मोल पर लीटर। ऑप्शन नंबर देखो कौन सा सही है आपका, ऑप्शन नंबर ए 0.444 मोलर, ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये देख सकते हो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप, देखो 8 ग्राम NaOH और 450 मिलीलीटर कह रहा था, ठीक है, तो इसका आ गया 0.444 मोलर, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नांकित में से कौन सा अणुसंघी गुणधर्म है, आपको बताना है इनमें से कौन सा अणुसंघी गुणधर्म है, ठीक है। चार ऑप्शन दिए गए, तो आपको पता होगा आपने इस चैप्टर पे किसके बारे में पढ़ रखा है, परसरण दाब के, ना पृष्ठ तनाव के बारे में पढ़ा होगा, ना श्यानता के, ना प्रकाशिक सक्रियता के, तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, परसरण दाब, ठीक है। अगला क्वेश्चन की सर्वाधिक क्वथनांक प्रदर्शित करने वाला जलीय विलयन है, ठीक है, तो सर्वाधिक क्वथनांक मतलब अधिक क्वथनांक कौन प्रदर्शित करता है, ज्यादा क्वथनांक इन चारों में से कौन प्रदर्शित करता है, तो देखो आपको सिंपल ये याद रखना है कि जिसमें आयन ज्यादा होंगे, क्या आयन, आयन्स जिस पे ज़्यादा होंगे उसका क्वथनांक भी ज़्यादा होगा, क्या होगा, आयन ज़्यादा होंगे तो क्वथनांक ज़्यादा होगा, तो आपको इन चारों में चेक कर लेना सबसे ज़्यादा आयन किस में है, तो Na2SO4 जो है इस पे सबसे ज़्यादा आयन होंगे, क्योंकि Na2SO4 में Na+ होता है और SO4 2- होता है, SO4 2- होता है, तो कितने आयन यहाँ पे, 3 आयन, तो इसमें सबसे ज़्यादा आयन होने के कारण इसका क्वथनांक जो होता है सबसे ज़्यादा होता है, सबसे अधिक होता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 0.01 मोलर Na2SO4। तो आपको इस केवल क्या देखना, आयन ज्यादा है तो क्वथनांक ज्यादा हो जाएगा, ये याद रखना है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस टाइप का क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ठीक है। आप देखो अगला क्वेश्चन जैसे कह रहा है मोलरता, मोललता, मोल प्रभाव, तो इनकी परिभाषाएं पूछी जाती है एग्जाम में कि मोलरता की परिभाषा लिखिए तथा उदाहरण सहित लिखिए, मतलब उदाहरण भी दीजिए, ठीक है, या सूत्र सहित लिखिए, ठीक है। तो आपको ये दिया हो जाता है मोलरता की, मोललता और मोल प्रभाज की। इसी प्रकार एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपका, समपरासारी विलयन किसे कहते हैं, समपरासारी विलयन किसको कहते हैं ये बताना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है परासरण दाब किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। और एक है जो कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राउल्ट के नियम को परिभाषित कीजिए तथा उसकी सीमा लिखिए, क्या कह रहा है, राउल्ट के नियम को परिभाषित कीजिए तथा उसकी सीमाओं को लिखिए, कहाँ तक ये सीमित है, ठीक है, राउल्ट का नियम आपका। तो ये क्वेश्चन भी भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार आता है, ठीक है, देख सकते हो, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि लॉन्ग क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल है, कि विलय के मोल प्रभाज एवं वाष्प दाब के अवनमन के संबंध में समीकरण दीजिए। यूरिया का एक विलयन भारानुसार 6% है, विलयन में यूरिया तथा जल का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आसान है, देखो क्या कह रहा है, पहले वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह सकते हो, देखो ये जरूरी नहीं यही क्वेश्चन आए, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो पहले कह रहा है मोल प्रभाज एवं वाष्प दाब के अवनमन के संबंध में समीकरण लिखिए, तो मोल प्रभाज एवं वाष्प दाब के संबंध में समीकरण लिखते हैं। देखो P0 - PS/P0 = x विलय, ठीक है, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, आपका वाष्प दाब में अवनमन और विलय के मोल प्रभाज के बीच में होता है, ये जो एक्स आपका है विलय लिखा हुआ है, ये आपका देखो वाष्प दाब में अवनमन और विलय के मोल प्रभाज, एक्स विलय जो है ये विलय का मोल प्रभाज है, ठीक है, देख सकते हो, ठीक है, ये वाष्प दाब में अवनमन और ये विलय का मोल प्रभाज, ठीक है। तो ये बात हो गई। आप कह रहा है यूरिया का एक विलयन भारा अनुसार 6% है, विलयन में यूरिया तथा जल के मोल प्रभाज की गणना कीजिए, ठीक है, तो मोल प्रभाज निकालना है। देखो 6% आपका क्या है, भारा अनुसार, भारा अनुसार का मतलब वेट बाई वेट, ठीक है, द्रव्यमान प्रतिशत आपने पढ़ा होगा, भारा अनुसार वही कह रहा है, ठीक है, तो वेट बाई वेट यूरिया है, तो इसका मतलब क्या होगा, 6 ग्राम यूरिया कितने में हो जाएगी, 100 ग्राम विलयन में, ठीक है, 6 ग्राम यूरिया 100 ग्राम विलयन में। यहाँ से आपको क्या क्या लेना है, जल जो आपका विलायक है, देखो विलय पता ये क्या है, विलय है, ठीक है, विलय हो गया, विलायक आपका विलयन हो गया, आप विलायक निकाल दो, जल विलायक का भार निकालोगे तो 100 - 6 आपको करना है, तो कितना आ जाएगा विलायक का भार, 94 ग्राम। अब यहाँ से आपको यूरिया का भी अणुभार निकाल लेना और जल का भी अणुभार आसानी से निकाल लेना, देख सकते हो जल का अणुभार 18 आ चुका है, 1 × 2 + 16 = 18। इसी प्रकार आपका इसका यूरिया का, ये यूरिया का सूत्र है, ठीक है, ये अणुभार हम लोग निकाल लें, तो इसका कितना आ जाएगा 60, इसका अणुभार देख सकते हो यूरिया का कितना अणुभार आ जाएगा 60, इसको कर लेना आपको, ठीक है, देख सकते हो 60 इसका अणुभार आ जाएगा। अब आपको करना क्या है, सीधे सीधा आपको यूरिया के मोल निकाल लेना, यूरिया के मोल का सूत्र होता है भार बटा अणुभार,
भार बटा अणुभार होता है, भार 6 ग्राम है, अणुभार 60 है, 6 बटा 60 कितना आ जाएगा, 1 बटा 10। इसी प्रकार जल के मोल निकाल लें, जल का भार कितना दिया हुआ है, जल का भार है 94 और अणुभार है 18, ठीक है, 94/18 आ जाएगा। तो आप देखो इतना निकला है इसके मोल, अब हम लोगों को निकालना क्या है, मोल प्रभाज। तो मोल प्रभाज निकालते हैं, जल के मोल प्रभाज का सूत्र लगाओ, जल के मोल बटा विलयन के कुल मोल, ठीक है, जल के मोल बटा विलयन के कुल मोल। अब मान रख दो 94/18 आपके NH2O का मान है, मतलब जल के मोल है ये 94/18, ठीक है, इसी प्रकार जल के मोल 94/18 और यूरिया के मोल कितने हैं, 1/10, ठीक है, यूरिया के मोल कितने, 1/10 देख सकते हो। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो 0.982 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है, देख सकते हो, इसको सॉल्व कर लेगा, ये आपका जल का मोल प्रभाज निकलेगा। आप निकालना किसका, यूरिया का भी निकालना है, तो यूरिया का कैसे निकालोगे, यूरिया का मोल प्रभाज का सूत्र हो जाएगा यूरिया के मोल बटा यूरिया प्लस जल के मोल, ठीक है, तो सबके मान रख दोगे तो इसका मान कितना आ जाएगा, 0.01887, ये किसका आ जाएगा, यूरिया का मोल प्रभाज, ठीक है, इसको सॉल्व कर लेना, देख सकते हो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था और आसान भी था, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है ग्लूकोज के 1 विलयन में 12 ग्राम ग्लूकोज अणुभार 180 100 ग्राम जल में घुला है, इस विलयन का क्वथनांक 100.34 डिग्री सेंटीग्रेड, जल के मोलल उन्नयन स्थिरांक की गणना कीजिए, ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, देख सकते हो, ठीक है, क्वेश्चन आसान भी है और इंपॉर्टेंट भी। तो कह रहा है 12 ग्राम ग्लूकोज, तो 12 ग्राम ग्लूकोज लिख लो, अणुभार 180, अणुभार 180 लिख लिया। अब कह रहा है 100 ग्राम जल, तो 100 ग्राम जल लिख लो, देखो 100 ग्राम जल कह रहा है, तो 100 ग्राम जल को आपको लिख लेना है, ठीक है। आप कह रहा है विलयन का क्वथनांक टीबी इक्वल टू दिया गया 100.34 डिग्री सेंटीग्रेड, क्वथनांक कितना दिया है 100.34 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, देख सकते हो। आप कह रहा है केबी का मान निकालो, मतलब मोलल उन्नयन स्थिरांक का मान निकालो, तो निकालते हैं चलो भैया। तो यहाँ पे जल का क्वथनांक आपको एक चीज याद रखना है, हमेशा क्वेश्चन में दिया हो या ना दिया हो, आपको जल का क्वथनांक याद होना चाहिए टीबी नॉट, जिसका मान होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। अब आपको यहाँ पर से डेल्टा टीबी, जब जल टीबी नॉट का पता है, टीबी का पता है, तो क्वथनांक में उन्नयन जो है डेल्टा टीबी, इसका मान निकाल लेना है, यहाँ से कितना आ जाएगा टीबी माइनस टीबी नॉट, कितना आ जाएगा टीबी माइनस टीबी नॉट, टीबी कितना दिया गया था 100.34 और टीबी नॉट का मान 100 दिया गया, तो 100.34 माइनस 100 और माइनस 100, तो डेल्टा टीबी का मान कितना आ जाएगा 0.34 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, देख सकते हो। अब आपको करना क्या है, केबी का मान निकालना है, तो डेल्टा टीबी इक्वल टू केबीएम फॉर्मूला लगाना है, यहां से केबी का मान निकलेगा क्या, डेल्टा टीबी अपॉन एम। अब हमें क्या पता है यहां पे, डेल्टा टीबी का मान तो पता चल गया, एम का मान नहीं पता, तो एम का मान निकालेंगे अब हम लोग, देख सकते, तो साइड पे हमने निकाल रखा है, एम क्या है, मोललता है, तो इसका मान कैसे निकालेंगे, विलेय के मोल, देखो पूरा एक एक स्टेप बाय स्टेप लगाए, ठीक है, विलेय के मोल बटा विलायक का भार किलोग्राम में, मोल बराबर आपको फॉर्मूला भार बटा अणुभार लगा देना है, और विलायक का भार 100 था, ग्राम में लिख रहा है, तो ऊपर 1000 का गुणा कर दो, ठीक है। आप देखो 100 ग्राम था, तो ग्राम था, तो ऊपर 1000 का गुणा कर देना है, बस देख सकते हो। अब ग्लूकोज का भार कितना था, 12 और अणुभार 180, ठीक है, अब इसको पूरा सॉल्व कर लो आप, 100 से 1000 काटोगे 10 आ जाएगा, 12/180, तो देख सकते हो 0 से 0 कैंसिल, 4 से 12 वो सॉरी 6 2 12 और 6 3 18, तो m का मान आ जाएगा 2/3, ठीक है। अब आपको यहाँ m की वैल्यू, ये जो मोललता निकाली आपने, इसको उस क्वेश्चन पे रख देना है, ठीक है, इस पे m की जगह क्या रख दिया, 2/3। आप देखो ये 3 जो है ऊपर चला जाएगा, और 2 से आपको काट देना 0.34 को, तो कितना आ जाएगा 0.17। अब 0.17 का 3 से गुणा होगा, कितना आ जाएगा 0.51 डिग्री सेंटीग्रेड मोल, ठीक है। तो ये किसका मान आ गया, के बी का मान, यही तो कह रहा था मोलल उन्नयन स्थिरांक निकालो, तो निकाल दिया हमने मोलल उन्नयन स्थिरांक, आपने कहा नहीं कि हमने निकाल दिया भैया, ठीक है, देख सकते हो। तो क्वेश्चन आसान थे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस चैप्टर से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपको बताया गया इस वीडियो के अंतर्गत। तो भाई वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक भी कर देना, ठीक है, ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।